नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है टेक गुरु चैनल पे और मैं हूँ आपका टेक गुरु। आज का ये जो हमारा वीडियो है ये सिर्फ लेडीज स्पेशल है, वुमन स्पेशल है। जो भी बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी लड़कियां हैं, जो भी औरतें हैं, उनको दुबई में अगर जॉब करना है तो ये स्पेशल उनके लिए है। अभी आप पूछेंगे कि दुबई में कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो लेडीज़ के लिए स्पेशल है, ओके? तो मैं ये पहली बात क्लियर करने देना चाहता हूँ कि जो भी काम लड़के कर सकते हैं, जेंट्स कर सकते हैं, वो सभी काम यहाँ पे लड़कियाँ कर सकती है। दुबई बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत सिक्योर है, हमारे कंट्री से तो हज़ार गुना ज़्यादा सिक्योर है दोस्तों दुबई, ठीक है? आप यहाँ पे कौन सा भी काम कर सकते हो। अगर आपकी कोई गलत फहमियाँ हो, शायद होगी, बहुत सारे लेडीज़ की गलत फहमियाँ होती है कि दुबई में कुछ भी गलत काम होता है, तो पहले तो ये आपसे, आपके दिमाग से निकाल दो कि ऐसा कुछ नहीं होता है दुबई में दोस्तों। जो भी आप काम करते हो, जो भी मतलब हमारे कंट्री में आप लोग काम करते हो, तो यहाँ पे वो काम अवेलेबल होता है। बहुत सारी लेडीज़ होती है वो बैंकिंग सेक्टर में काम करती है, बहुत सारी लेडीज़ होती है वो ऑफिस एडमिन सेक्टर में काम करती है, तो उन सब के लिए यहाँ पे काम है। मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल तक सब काम लेडीज़ के लिए अवेलेबल है, ठीक है? आप जो भी काम करते हो आप यहाँ पे वो काम ढूंढना है। समझ लो आप ऑफिस एडमिन में काम करती हो एज अ असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट एचआर, जो भी कोई आपकी पोस्ट हो, तो यहाँ पे और आपको एक पॉइंट में कवर करना चाहता हूँ कि एज कम्पेयर टू मेल, फीमेल को यहाँ पे मतलब एज कम्पेयर टू अगर सोचा जाए जेंट्स, तो यहाँ पे लेडीज़ को जॉब फटाफट जल्दी मिल जाती है। ये मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे। मतलब अगर लड़के को 1 महीना लगता है जॉब ढूंढने में, जॉब लगने में, तो लड़की को या लेडीज़ को यहाँ पे 15 दिन में ही जॉब मिल जाएगी। ओके, से क्या पता, मुझको पता नहीं है, शायद लड़कियाँ गॉड गिफ्टेड है, उनको कोई तो उनका लक साथ में होता है, अच्छी बात है। तो अभी मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन से जॉब अवेलेबल है जिसमें आप फास्टली जॉब ग्रैब कर सकते हो दुबई में, ठीक है? तो फर्स्ट है मतलब ऑफिस सेक्टर में आप अगर आप जॉब ढूंढते हो तो एचआर एडमिन में, नहीं तो असिस्टेंट एचआर, ये बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे खाली होते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है कि अभी ये जो जॉब मैं बता रहा हूँ लड़कियों के लिए, तो उनको क्या करना है कि गूगल में जाके सर्च करना है उस मतलब दुबई की कंपनी, और उसके करियर में आपका सीवी डाल दो। सीवी का फॉर्मेट जैसे मैंने बताया पहले वीडियोस में, वैसा ही बनाना, गलतियां मत करना। गलतियां अगर की तो आपको कॉल नहीं आएंगे, आपको ईमेल का रिप्लाई नहीं आएगा, आपका कोई रिप्लाई नहीं आएगा कंपनी से। मतलब बहुत सारे बंदे गलतियां करते हैं छोटी छोटी वाली, और उसको रिप्लाई नहीं आता है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो स्टार्ट टू एंड पूरा देखा करिए, और मैंने पहले भी कुछ पार्ट्स बनाए हैं, तो पार्ट वाइज देखिए। फर्स्ट पार्ट से अभी शायद 13 पार्ट शुरू है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पूरे पार्ट्स टू पार्ट्स वीडियो देखने हैं। आपने अगर बीच में कोई तो मिस किया तो आपको पता नहीं चलेगा कि कुछ तो इम्पोर्टेंट आप मिस कर दोगे, ठीक है? तो यहाँ पे कौन से जॉब अवेलेबल है, ऑफिस के जॉब तो बहुत सारे अवेलेबल है। अगर कोई अनएजुकेटेड है तो उसके लिए भी बहुत सारे जॉब होते हैं, जैसे कि मॉल्स में सेल्स गर्ल्स के जॉब है बहुत, मतलब, और उसकी सैलरी भी अच्छी है। सैलरी उसको कम से कम 2000 दिरहम सेल्स गर्ल्स को यहाँ पे मिलती है। मतलब अगर आप मॉल में सेल्स गर्ल का भी जॉब करते हो तो आपको 2000 से आपकी जॉब सैलरी है शुरू हो जाती है। मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हायर लेवल से लोअर लेवल तक सब जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपको ही ढूंढना है कि आपको कहाँ जॉब करना है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप सेल्स में ही ट्राई करो, सेल्स में आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। उसके बाद में ब्यूटिशियंस कई होते हैं,
बहुत सी लेडीज है, बहुत सी सिस्टर्स है, उन्होंने ब्यूटिशियंस का कोर्स करा होता है, उन्होंने हेयर ड्रेसर का कोर्स करा होता है, वो घर में ब्यूटी पार्लर चलाती है, तो वो भी जॉब यहाँ पे आप ग्रैब कर सकते हो इजीली। ओके, तो आपको क्या करना है, दुबई में जितने सारे ब्यूटी पार्लर है ना, उनके वेबसाइट निकालना है, उनके ईमेल पे आपको आपका सीवी भेजना है। ठीक है, ब्यूटी पार्लर तो इतना अच्छा है कि उसमें सैलरी भी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि आपको उसका एक्सपीरियंस भी होता है, बहुत सारी लड़कियों को उसका एक्सपीरियंस होता है खुद का, तो उसकी भी कम से कम सैलरी यहाँ पे 2000 दिरहम है, उसकी उससे ज़्यादा अगर बोला जाए तो 2500-2500 दिरहम 3000 दिरहम, मतलब इंडिया के हो गए 40-50 हज़ार रुपये आपको मंथली यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो रहने का खाने का है वो डिपेंड होता है कंपनी पर, मतलब उनके उनके ऊपर होता है, अगर वो दे रहे हैं तो दे रहे हैं, नहीं तो नहीं, कई कंपनियाँ देती है कई कंपनियाँ नहीं देती है। ठीक है, सेल्स गर्ल्स का भी जॉब अवेलेबल होता है, अगर बहुत आपकी मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो मेड का भी जॉब यहाँ पे अवेलेबल है, मगर मेड की सैलरी यहाँ पे बहुत कम होती है दोस्तों, कम मतलब एज पर माई इंफॉर्मेशन यहाँ पे बिलो मतलब 1000 दिरहम से ही कम है, मतलब 1000 से कम होती है, मगर उनका क्या होता है, उनको रहना का खाने का उसके घर में ही होता है, मतलब अगर आप एज ए मेड अगर काम कर रहे हो तो जिसके घर आप काम कर रहे हो उसके घर ही रहना होता है, और सैलरी भी अप टू 1000 दिरहम ही सैलरी आपको मिल जाएगी, मतलब डिपेंड है, अगर कोई कोई मैंने अभी ऐसे भी बंदे देखे कि वो उनके मेड को 50,000 सैलरी देते हैं, अभी आप वो आपके लक पे है कि आपको कौन सा मिलता है। ठीक है, आपको कौन सा भी जॉब मिले, सबके लिए कह रहा हूँ मैं, आपको कौन सा भी जॉब मिले आप यहाँ पे आ जाइए, पहले 1 साल आपको कम सैलरी मिलेगी, आपको क्या करना है यहाँ पे आके सीखना है, आपको 1 साल के बाद मूव होना है दूसरी तरफ, ये ऐसा मत सोचो कि यार कम सैलरी है कैसा होगा, मतलब आपको अगर कम मिल गई तो, कम तो नहीं होती है, यहाँ से कम कम से कम यहाँ पे मैंने जैसे बोला है कि 36,000 आपको मिल जाएगी। तो कई लेडीज सोचेंगी कि सर इसमें रहना कैसा है, उसमें खाने का कैसा है, फिर ये छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा मतलब पर्दा डाल दीजिए, वो भी क्यों बताता हूँ, जब मेरी जॉब लगी थी यहाँ पे तो मुझे भी ऐसा लगता था वहाँ पे खाने पे कितना खर्चा होगा, रहने पे कितना खर्चा होगा, मैं आ गया यहाँ पे क्यों, क्योंकि मुझे दुबई में एंट्री करनी थी, मुझको प्लेटफॉर्म चाहिए था, मुझको ब्रेक चाहिए था यहाँ पे, अगर मुझे सैलरी भी नहीं रही तो भी मैं यहाँ पे आता, अगर रहने खाना सिर्फ वो देते तो, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंट्री करनी थी, अभी 3 साल में इतना मुझे यहाँ पे पता चल गया है कि मैं कहाँ पे भी मूव हो सकता हूँ, मतलब आपकी सैलरी आपके हाथ में होती है, आप यहाँ पे एंट्री करो फिर आपके आप किधर भी मूव हो सकते हो दोस्तों। ठीक है, क्लीनर के भी जॉब है लेडीज के लिए, अगर क्लियर मतलब पूरे मतलब आप कहाँ पे कौन से भी सेक्टर में आप जाओ तो आपको वहाँ पे जॉब अवेलेबल है, सेल्स लेडी है ऑफिस में है, ऑफिस गर्ल है, देन कहाँ पे भी होती है दोस्तों, मतलब अभी सबके अगर नाम ले अगर मैंने यहाँ पे ले लिए कौन से सेक्टर में जॉब है, आप जिस सेक्टर में काम करते हो उस सेक्टर में यहाँ पे जॉब अवेलेबल है। ओके, आप सबके लिए आपको अगर कोई भी आपकी मतलब कमेंट हो, आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और वीडियो शेयर लाइक करना मत भूलिए, आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो बाय बाय।